मजा आ गया चारों तरफ स्नो ही स्नो। क्या प्यारे रास्ते है गाइस, कुफरी के घरों के ऊपर बर्फ जमी हुई है गाइस। याक, वाओ ब्यूटीफुल याक्स। थोड़ी बर्फ हाथ में ली, मेरा हाथ सुन दो रे। पुरानी फिल्म अमिताभ की मुकद्दर का सिकंदर, उसके गाने का शूट कहाँ हुआ था? इन्हीं फील्ड में हुआ था जो हमारी फार्मिंग वाली फील्ड है। यहाँ पे कुर्सी लगाए बैठ जाओ। निकल पड़े हैं हम शिमला से कुफरी की तरफ गाइस, और ये बता रहा है कि 15 किलोमीटर है यहाँ से। इट विल टेक अराउंड 37 मिनट्स टू रीच कुफरी। रास्ते में वो बता रहे हैं कि रात को जो सड़क पे बर्फ़ जमी होती है वो पिघलती है सुबह, ओके, धूप के साथ। और जब वो पिघलती है तो वो सड़क गाइस फिसलने वाली हो जाती है, तो वहाँ पे आपको यू हैव टू बी केयरफुल। टायर में हवा कम होनी चाहिए, यू नो, और ये देखो कितनी प्यारी धूप निकली। आहा, मज़ा आ गया गाइस। देखो बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। शिमला की गलियों का आनंद लीजिए गाइस। देखो अब हमने शिमला में भी चला ली बाइक, बताओ यार। स्नो के दर्शन हो गए, फर्स्ट स्नो। देखो ये दिख रहा है आपको, ये है स्नो। ये देखो, अब थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा गाइस। ये देखो, आ हा हा हा, स्नो ही स्नो दिख रहा है आपको, कितनी स्नो जमी हुई है यहाँ पे। ये देखो सड़क में पत्थरों पे भी, बर्फ जमी हुई है। वाह, देखो वो अभी तो कुफरी यहाँ से 11 किलोमीटर हो रहा है। बस रास्ता सही मिल जाए बिना फिसलन का, मज़ा आ जाएगा इस। अरे इधर देखो यार आप तो, वाह
मजा आ गया। चारों तरफ स्नो ही स्नो। सड़क साफ है, थैंक गॉड, ऐसे ही रहनी चाहिए। देखो ओ देखो आप उधर, ओ हो क्या नजारे हैं यार, कसम से। ये है ढली, ढली में से निकल रहे हैं हम। क्या प्यारे रास्ते है गाइस, कुफरी के बहुत स्लो जा रहा हूँ गाइस मैं, 20-30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा रहा मैं फागू, क्योंकि भरोसा नहीं है कहाँ पे आपको ब्लैक आइस मिल जाए, है क्या नहीं। ये तो कोई मस्त है ना, ये देखो घरों के ऊपर बर्फ जमी हुई है गाइस, अमेजिंग। यहाँ वी हैव टू बी केयरफुल मैन, यहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। कुफरी पहुँचने वाले हैं बस, याक, वाओ ब्यूटीफुल याक्स। दुर्घटना से देर भली गाइस, ऐसा काम नहीं करना हमारे को। उधर देखो, ओए हाय, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, मजा आ गया गाइस कसम से। सामने देखो पूरे तेरी ते, क्या शानदार नजारा है गाइस, मजा आ गया। पैर पे चल रहा था मेरा गाइस वहां पे, ब्लैक आइस जमी हुई थी, आंख खूबसूरत सी आंख। वो सामने नजारा देखो आप, है ना मस्त, इनक्रेडिबल गाइस, इनक्रेडिबल। वाओ ये देखो गाइस, नज़ारे तो शानदार होते जा रहे हैं, शानदार, एक से बढ़कर एक गाइस, एक से बढ़कर एक। 20 की स्पीड से आगे नहीं जा रहा मैं गाइस, ये देखो मस्त आँख है ना, मस्त गजब। अभी हम कुफरी से थोड़ा आगे जा रहे हैं गाइस, गाइस अभी तक तो रास्ता सही मिला है गाइस, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई है, देखते कहाँ तक जा पाता हूँ मैं, जहाँ लगेगा ना कि दिक्कत है वहीं रुक जाऊँगा। यहाँ से 5 किलोमीटर और जाना है मुझे, होटल रॉयल ट्यूलिप, मस्त है ना, टूरिस्ट मज़े ले रहे हैं, शानदार। गाइस कुफरी के बाद हो रहे हैं बढ़िया रास्ते, कुफरी से थोड़ा आगे निकल रहा हूँ ना मैं, देखो ठंड लग रही है, मज़ा आ गया गाइस, जैसा मैं चाहता था वैसा ही मिला है मुझे, सपना पूरा हो गया एक। देखो आ हा हा हा, क्या मस्त जगह है, रुको थोड़ी देर। देखो सड़क पे बर्फ जमी हुई है, शानदार।
ओके गाइस, तो मैं कुफरी से थोड़ा आगे आया हूँ, अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में देखो आप क्या माहौल है, दिख रहा है बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। देखो गाइस पीछे आप, इधर देखो गाइस, है ना शानदार, मज़ा आया गाइस देखो। ठीक है, अभी मैं वहाँ पे गया था थोड़ी बर्फ़ हाथ में ली, मेरे हाथ सुन धो रहे मज़ा आ रहा गाइस, मज़ा आ रहा है कसम से, इनक्रेडिबल, मेरा सपना पूरा हो गया। देखो गाइस टूरिस्ट भी रुक रुक के फोटो शूट कर रहे हैं आराम से। अरे वाह, हा हा, इनक्रेडिबल मैन, इनक्रेडिबल। देखो हैविंग फन। देखो यहीं पे कहीं पे मेरा होटल है गाइस, मुझको वो एक ऐसा होटल चाहिए गाइस जहाँ पर मैं मेरी पार्किंग आराम से हो जाए। इस तरह के रास्तों से बाइक जा नहीं पाएगी गाइस, और है ना बाइक को खुला छोड़ नहीं सकते क्योंकि बर्फ अगर जम गई उस पर तो बैटरी डाउन हो जाएगी। फागू, देखो गाइस फागू मस्त जगह है, फागू। देखो ये सब होटल्स में यहाँ पे अच्छे हैं काफ़ी, होटल हिमालयन हाइट्स। ओके गाइस, तो ये है ना मेरा होटल जिसमें मैंने बात की थी गाइस, वो आ गया है और अच्छा लग रहा है यार, सामने का व्यू भी अच्छा है, तो पार्किंग भी हो जाएगी। अरे गाइस, तो मैं ना आई एम गोइंग बैक टुवर्ड्स कुफरी क्योंकि वहीं पे ज़्यादा अच्छा माहौल लगा मुझे, यहाँ पे भी काफ़ी होटल्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस के कुफरी के आसपास ही देखना चाहिए होटल, क्योंकि आगे तो मुझे ना और कम दिखी बर्फ फागू साइड। होटल अच्छा था वो, होटल हिमालयन हाइट्स, बट नॉट द काइंड ऑफ प्लेस दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ होटल जहाँ पे ऐसा माहौल हो जैसे दिख रहा है आप कोई ऐसे इन्जॉय कर रहे हैं बर्फ के बीचों बीच। बहुत प्यारी धूप निकली हुई है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, और आशियाना होम स्टे क्या बात है, नव दुर्गा मंदिर, जय माता दी गल्लू। होम स्टे दिखा है, चेक करते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। बिल्ली, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है ना, चलो देखते हैं। हे गाइस, तो मैंने एक रूम बुक कर लिया है एक होम स्टे में गाइस, बहुत खूबसूरत होम स्टे है, बहुत प्यारी लोकेशन पे और काफ़ी डिसेंट है गाइस। मैं आपको सबसे पहले तो दिखाता हूँ मेरे रूम दिखाता हूँ, देखो ये रूम है, बहुत कोजी रूम है गाइस, यहाँ से व्यू देखो आप खिड़की से, है ना, नीचे आपको स्नो दिख रही होगी, है ना। यहाँ पे मैं अपना सामान रखा है, यहाँ पे अलमीरा है, यहाँ पे आपको रजाई वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी है गाइस, वो बालकनी से बहुत प्यारा व्यू है, ये देखो दिख रहा है आपको, है ना इनक्रेडिबल, दिख रहा है शानदार गाइस। ये बाथरूम है बहुत ही नीट एंड क्लीन है गाइस, चलो मैं आपको ना बाहर लेके चलता हूँ। उसको करते हैं बंद। ओके, तो इस होम स्टे का नाम है गाइस आइस टच होम स्टे, यहाँ पे आप डिनर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और मैंने ये देखो गाइस क्या नज़ारा है,
निकलते ही देखो आइस टच होम स्टे गाइस, बहुत खूबसूरत होम स्टे है ये। ये फागू और कुफरी के बीच में पड़ता है गाइस, ये देखो। और यहाँ पे खड़ी है अपनी हिमालयन, जिसको लगाने में मुझे यहाँ पे पार्क करने में बड़ी दिक्कत हुई गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आइस है ना, तो बाइक फिसल रही थी। ये देखो शानदार, और रोड पे देखो आप बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, इनक्रेडिबल ना, शानदार। मैंने बहुत ही अच्छी जगह पे रूम ढूंढा है गाइस, और टैरिफ भी बहुत रीज़नेबल है, 1500 रुपीज़ ओनली फॉर अ नाइट। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 2-3 दिन रुकूँगा मैं। और जो सामने है ना, आपको पीक्स नज़र आ रहे होंगे, बहुत शानदार। उधर देखो, जिस तरह का मुझे चाहिए था ना गाइस कमरा, रीज़नेबल प्राइस में वो मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया गाइस। किचन के देखते हैं क्या है माहौल। ये जो जाने का रास्ता है नीचे, सामने देखो गाइस, मस्त है ना, वाह। कितना प्यारा व्यू गाइस, देखो दिख रहा है, यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठ जाओ। बहुत शानदार है गाइस, वो मेरा रूम वहाँ पे है। देखो गाइस है ना मस्त, बहुत प्यारी जगह मैंने लिया है होम स्टे, अच्छा होम स्टे है गाइस। कभी आप इधर आओ ना, यहीं पे आना, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। मैं थोड़ा आगे जा नहीं सकता, फिसल जाऊँगा। अच्छा मुझे नहीं ये बताए थे होम स्टे के ओनर के, जो मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर थी अमिताभ बच्चन और जीना तमान की, उसकी शूटिंग यहाँ हुई थी गाइस। ये घर है ना उसके बगल में, एक शॉट यहाँ पे भी हुआ था। तो सही बात है यार, उसका एक गाना था शायद, वो गाना शूट हुआ था यहाँ पे। सामने देखो गाइस पीक्स, बहुत प्यारी जगह है गाइस, बहुत प्यारी जगह है। मस्त जगह ना, वाह। तो इनक्रेडिबल गाइस, स्कीइंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, एक सब खेत है, खेतों में बर्फ जमेंगे, मज़ा आ गया गाइस। ये देखो बर्फ की सिल्ली, पानी गिर रहा है, चल चलते हैं। ये जो है ना, ये नीले जैकेट वाले, ये लुधियाना से आए हैं, इनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत देर से ये ट्राई कर रहे हैं, आधे घंटे से ठंडी हो गई कार रात भर। हे गाइस, तो मेरे साथ अभी आइस टच होम स्टे के ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? हेलो, मेरा नाम राजेश चंदेल, हाँ, फ्रॉम कुफरी आइस टच होम स्टे। बड़ा खूबसूरत आपका होम स्टे गाइस, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मैं सोचा था ना, जो मैंने सोचा था कि मुझे जिस तरह का होम स्टे चाहिए वो मुझे यहाँ मिल गया। इतनी प्यारी लोकेशन है गाइस, और तुम आप देखो यार, आप अच्छा आप मुझे बता रहे थे ना कि एक मुकद्दर का सिकंदर के पुरानी फिल्म अमिताभ की, मुकद्दर का सिकंदर, उसके गाने का शूट कहाँ हुआ था? ये नहीं, फील्ड में हुआ था, जो हमारी फार्मिंग वाली फील्ड है। को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कहाँ पे हुआ था एग्जैक्टली? ये यहाँ पे वाला पॉइंट एक वहाँ का है, एक इसके बैक साइड का है। बैक साइड में तो क्या मतलब गाने की शूटिंग हुई थी? गाने की शूटिंग है। अच्छा, ये है आपका गाना, देखिए सुनो। हाँ, बहुत बहुत अच्छा गाना है, वो गाना याद नहीं आ रहा। तो गाइस देखो ये कितनी प्यारी जगह है, यहाँ पे शूटिंग हुई थी मुकद्दर का सिकंदर की, और बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। मैं रिकमेंड करूँगा गाइस कि आप कभी भी आओ ना, तो कुफरी से थोड़ा आगे आ जाओ, 2-3 किलोमीटर है ना, और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आइस टच होम स्टे मिलेगा, और बहुत ही प्यारा होम स्टे है गाइस, शानदार। और भैया भी बहुत अच्छे हैं, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो गाइस, हे गाइस, तो मैंने डिनर कर लिया है, और अभी बहुत ठंड हो रही है गाइस, माइनस
-2 टेम्परेचर अभी राइट नाउ कुफरी में। तो आज तो मैं रेस्ट करूँगा गाइस, अभी तो कुछ करने को है नहीं। और वैसे वेदर बहुत क्लाउडी है, चांसेस है कि आज रात को स्नोफॉल होगा, आज नहीं होगा तो कल पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर स्नोफॉल हुआ तो उसको रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा गाइस मैं, ठीक है। और अभी मैं सोऊंगा गाइस, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। कल हम कुफरी को एक्सप्लोर करेंगे, विल गो टू डिफरेंट प्लेसेस इन कुफरी, ठीक है। तो कल का दिन बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। चलो मिलता हूँ आपसे कल मैं, गुड नाइट।